बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा एक और पार्टी है गुजरात के गदर में, जिसका सीट जीतना तो नामुमकिन है लेकिन खेल बिगाड़ने की ताकत जरूर है। यह पार्टी है ओवैसी की, पार्टी है एआईएमआईएम। यूपी के चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य 10 सीट ऐसी थी जहां ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट को मिले वोटों को बीजेपी की जीत का जिम्मेदार विरोधियों ने बताया था। क्या ऐसा ही कोई खेल गुजरात में भी ओवैसी कर सकते हैं? मैंने पहले भी कहा कि ये आम आदमी पार्टी और एमआईएम ये बीजेपी की बी टीम है, सिर्फ ही वोट काटते हैं। अभी तो पता ही नहीं है किसका वोट काटेंगे, लेकिन हमारे सामने उदाहरण है गोवा का, उत्तराखंड का। जितना परसेंटेज वोट इन्होंने काटा वहां, उतने ही परसेंट से कांग्रेस सरकार बनाने से वंचित रही है। ये हमारे पास प्रमाण है कि ये बी टीम है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियां तैयार हो जाएं, तो हमारा इरादा यह है कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर हम अपने पार्टी के पैसों से इन लोगों को बिठाकर एक जो भी खर्चा होगा करेंगे, वो तय कर ले हम क्या है। वो तैयार हैं कि मुझे रिवर फ्रंट पर बिठा देते हैं उनको। गुजरात चुनाव में अब तक 40 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मंसूबा बांधे ओवैसी, क्या यहां भी मुस्लिम वोटों में बंटवारा कराने वाली पार्टी बनेंगे? तुम्हारे तमाम दावे झूठ पर मुबन्नी है। 2017 में गुजरात के नतीजे देखें तो 10 से 15% मुस्लिम वोटर वाली 26 सीट में पिछली बार 15 बीजेपी जीती और 11 कांग्रेस। 15 से 20% मुस्लिम वोटर बाहुल्य वाली 11 सीट में 7 बीजेपी जीती थी, 4 कांग्रेस। 20 से 25% मुस्लिम मतदाता वाली 7 सीट में 1 भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस को यहां 5 सीट पर तब जीत मिली थी। 25 से 30% मुस्लिम बाहुल्य 3 सीट में 1 बीजेपी जीती थी, 2 कांग्रेस। 30 से 55% तक मुस्लिम वोटर वाली गुजरात की 6 सीट में 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस ने जीती थी। ये आंकड़े कहते हैं कि 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट वाली सीट पर बीजेपी के लिए मुकाबला थोड़ा कड़ा हो जाता है। क्या इन्हीं सीट पर इस बार ओवैसी के उम्मीदवार मुस्लिम वोटों को बांटकर बीजेपी की बी टीम विपक्ष के हाथों कहलाएंगे? मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, सुन लो मेरी इस बात को। आपको शायद पसंद ना आए मगर सच्चाई बयान कर रहा हूँ कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो सही मानों में बीजेपी के बराबर फिरका परस्त हैं, ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है, मुसलमान खुद बीजेपी आरएसएस के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ क्या ये आपकी हैसियत हो चुकी है कि अपने साथ खड़ा करके एक फोटो नहीं लेना चाहते, अपने मंच पर नहीं बिठाते मुसलमानों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तल्ख हकीकत है, याद रखिए। हजार में लिखा गया कि अल्लाह ने तमाम। ओवैसी जब ये बात गुजरात में प्रचार में कहते हैं तो उनके सीधे निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस जो अब तक गुजरात में मुस्लिम वोट एक मुश्त बड़ी तादाद में हासिल करती रही, लेकिन अब की बार के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी आक्रामक होकर प्रचार कर रही, क्या मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को अपना वोट दे सकते हैं? ये सवाल आते ही अब ध्यान दीजिए ओवैसी के इस भाषण के हिस्से पर। मगर ये छोटा रिचार्ज ये कह रहा है कि मैं छोटा मोदी हूँ, अब बड़ा मोदी बनना चाहता हूँ। यही आप पार्टी के एक लीडर से किसी एक मीडिया के शख्स ने पूछा कि बिलकिस बानो, तो उसने कहा बिलकिस बानो नहीं, हम स्कूल और क्लासरूम की बात करेंगे। बताओ क्या बिलकिस बानो मुसलमानों का मसला है? बिलकिस बानो भारत का मसला है, भारत की महिलाओं का, इंसाफ का मसला है, मगर बिलकिस बानो के इंसाफ की बात नहीं की जाती। यानी सेक्युलरिज्म के दावे करती कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ खुद को मुकाबले में दिखाने वाली आम आदमी पार्टी, दोनों को मुस्लिम वोट की विसात पर शह मात देने के लिए ओवैसी दांव देते हैं। लेकिन सिर्फ इस आधार पर यह कह देना कि ओवैसी ही बीजेपी की हर जगह जीत के जिम्मेदार है, शायद सही नहीं होगा, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव से एक साल पहले से ओवैसी की पार्टी गुजरात में पैठ जमीन पर बनाती दिखने लगी जब अहमदाबाद नगर निगम में
ओवैसी की पार्टी 7 सीट, मुढ़ासा नगर पालिका में 9 सीट, गोधरा नगर पालिका में 7 सीट और भरूच में 1 सीट जीती। यानी निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी कुल 26 सीट पहले ही जीत चुकी है। ऐसे में जहां गुजरात में मुस्लिम वोटर का भी एक हिस्सा बीजेपी पहले से हासिल करती आई, वहां बाकी बचे मुस्लिम वोट में ओवैसी की पतंग जितना चढ़ेगी उतना ही पतंग बीजेपी विरोधी दलों की नीचे उतरेगी या कट जाएगी। तो क्या इसका जिम्मेदार ओवैसी को ठहराया जाए या फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वोटों के बीच की विपक्षियों की उहापोह को।